इंसेंटिवस एंड ऑफ लेबर ट्रांसफर टू जब हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर की तो हम वहाँ पे कहते हैं कि लेबर इज़ ट्रांसफॉर्म फ्राम एग्रीकल्चरल सेक्टर टू इंडस्ट्रियल सेक्टर और ये जो ट्रांसफर होती है लेबर उसको हम कहते हैं दिस इज़ दी लेबर दैट इज़ अनएम्प्लॉयड इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर के दिस इज़ द डिस अनएम्प्लॉयमेंट दैट इज़ जूज टू बिल्ड प्रोडक्टिव गुड्स एंड एक्सपेंड द इंडस्ट्रील सेक्टर इन अ कास्टलेस वे लेकिन जब हम बात करते हैं कि इंसेंटिव आर प्रोवाइडेड लेबर इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर तो ये मुझे क्या इंडिकेट करता है कि एग्रीकल्चरल लेबर हैज समर्चुनिटी कॉस्ट दैट इज नॉट इक्वल टू जीरो और फिर उसके साथ साथ लेबर हैजू बी रिलीज फ्राम द एग्रीकल्चरल सेक्टर इट इन्वॉल्व सम रिसोर्स कॉस्ट जब हम रिसोर्स कॉस्ट की बात करते हैं तो ये रिसोर्स कॉस्ट प्रेफर करती है प्रोविजन ऑफ इन्वेस्टमेंट गुड्स इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर के जो लेबर ट्रांसफर हो रही है उस लेबर को सब्सिट्यूट करने के लिए वी हैव टू कैरी आउट सर्टेन इन्वेस्टमेंट कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर फिर इसके साथ साथ वैन लेबर इज ट्रांसफॉर्म फ्रॉम द एग्रीकल्चरल सेक्टर टू इंडस्ट्रियल सेक्टर इट ऑल्सो इन्वॉल्व सम सोशल कैपिटल के जो भी माइग्रेंट्स इंडस्ट्रियल सेक्टर में आएंगे दे नीड सर्टन सोशल कैपिटल टू कैटर द नीड्स ऑफ माइग्रेंट्स लेकिन एक और जो बात यहां पे अगर हम इवन ये भी एज्यूम कर लें कि इफ लेबर्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज निग्लिजिबल इवन देन क्या है देयर इज सम रिसोर्स कॉस्ट टू ट्रांसफर लेबर फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्रियल सेक्टर और यहां पे आप कह लें सम रिसोर्स कॉस्ट हैज टू बी फेस्ड एज द फॉर्म ऑफ कॉस्ट टू सोसाइटी एज अ कॉस्ट ऑफ द कम्युनिटी और जब हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की बात करते हैं तो हमने कहा था कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज अ सिचुएशन वेयर मार्जिन प्रोडक्ट टी ऑफ लेबर इज इक्वल टू इंडस्ट्रियल वेज अब अगर हम यहाँ पे इसी चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए हम यूनिट्स ऑफ लेबर हॉरिजेंटल एक्सिस पे ले रहे हैं और मार्जिनल प्रोडक्ट वर्टिकल एक्सिस पे देखिए ये है क्या दिज आर दूनिट्स ऑफ लेबर एंड मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ एन इंडस्ट्रील सेक्टर दैट लेबर इज ऑब्जर्विंग इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर और यहाँ पे ये जो एम पी कर्व है दिस इज द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर हम यहाँ पे एज्यूम करें इंडस्ट्रियल वेजेस आर इक्वल टू डब्ल्यू तो यहां इंडस्ट्रियल वेजेस इंटरसेक्ट करेंगी इट विल इंडिकेट ऑप्टिमल क्वांटिटी ऑफ लेबर दैट शुड बी इंप्लायड टू प्रोड्यूस इंडस्ट्रियल आउटपुट और यहाँ पे जो आउटपुट प्रोड्यूस किया जाएगा दैट इज इक्वल टू ओ एल एक्स एम और इस ओ एल एक्स एम आउटपुट में से डब्ल्यू एक्स एल तो ट्रांसफर हो जाएगा इन फॉर्म ऑफ वेजेस और जो आपके पास एमडब्ल्यू एक्स है अब हम यहां पे कुछ इस पेंट पे एज्यूम कर लें कि जी कॉस्ट कि जो भी मेरी कॉस्ट है कॉस्ट ऑफ लेबर इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर इज इक्वल टू जीरो लेकिन जो उसका जो, जो भी लेबर होगी इंडस्ट्रियल सेक्टर में इट इट नीड रिटर्न कंजप्शन और उस कंजम्पन के कंजम्पन वो कहाँ से आती है अगेंस्ट वेजेस और अगर मैं एज्यूम कि एक्सपेंडिचर्स कंजम्शन एक्सपेंडिचर्स आर इक्वल टू इंडस्ट्रियल तो जो भी इंडस्ट्रियल वेज उस लेबर को मिलेगी दैट विल बी यूज टू कैरी आउट दंजम्पन एक्सपेंडिचर लेकिन अगर हम यहाँ पे कुछ इस पैटर्न पर एज्यूम कर लें कि सोशल कॉस्ट ऑफ लेबर ट्रांसफर इज इक्वल टू जीरो तो जो आपके पास प्लेड इकोनॉमी होगी दैट विल बी दैट विल यूज लेबर अप टू पी यूनिट्स ऑफ लेबर और पी पॉइंट पे क्या हो जाएगा मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर इज इक्वल टू जीरो इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर और जब इस लेवल पे आप कह लो आप लेबर यूज करोगे टू प्रोड्यूस आउटपुट तो यहां पे एक कॉस्ट बियर करना पड़ेगी जिसको हम कहते हैं कि जो आपके पास कैपिटलिस्ट सरप्लस है जो आपके पास वो रिड्यूस हो जाएगा बाय द एक्सटेंड एक्स एक्स वन पी अब यहां पे जब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव टू टू ग्रो मैक्सिमाइज़ ग्रोथ इन द इकोनॉमी और वहां पे अगर इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू कंजम्पशन तो हमें इन चीजों को कंसिडर करना चाहिए कि अप टू वट लेवल प्रोडक्शन शुड बी कैरीड आउट अब अगर यहां पे हम क्या प्रोडक्शन करेंगे अप टू बाय यूजिंग ओपी यूनिट्स ऑफ लेबर तो जो आपके पास कैपिटलिस्ट सरप्लस है इट विल बी रिड्यूस्ड बाय एक्स एक्स वन पी इसको हम क्या कहेंगे कि दिस इज़ द कॉस्ट दैट विल बी बियर बाय सोसाइटी टू प्रोड्यूस बाय यूजिंग ओ पी यूनिट्स ऑफ लेबर और यहां पे जब आप कह लें एक डिसीजन मेकिंग करनी होगी समाइम सेविंग्स आर मोर इम्पॉर्टेंट देन कंजम्पशन टू कैरी आउट ग्रोथ तो वहां पे हमें इन चीजों को कंसिडर करना है कि जो मेरे पास एक अलाउंस इन फॉर्म ऑफ कंज़म्पशन मुझे बियर करना पड़ेगा सोसाइटी को वी हैव टू टेक केयर अबाउट दिस अलाउंस ऑफ़ कंज़म्पशन व्हेन वी हैव टू मेक अ सोशल वैल्यूएशन ऑफ लेबर कि जब आप सोशल वैल्यूएशन ऑफ लेबर की बात करोगे तो ये जो पार्ट है एक्स एक्स वन पी इट रिजल्ट इन रिडक्शन ऑफ कैपिटलिस्ट सरप्लस एंड दिस इज कॉस्ट Of the labor when we use it, it, it up to OP units of labor.